हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको फेरा FERA एंड फेमा FEMA के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है IBU 6 के यूनिट 10 कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर 10.7 का है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का FERA एंड FEMA। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये FERA और FEMA यानी कि FERA और FEMA ही है क्या, ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू लर्नड अबाउट FDI एंड इट्स रैशनल, इसके पहले का ये टॉपिक है। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के बारे में इंडिया का। द फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन इंडिया वॉज इनएक्टेड एज अ टेम्पररी मेजर इन 1947। तो जो पहला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इंडिया का वो इनेक्ट हुआ था एक टेम्पररी मेजर पे 1947 में, बट वॉज प्लेस्ड एट स्टैचुटरी बुक इन 1957। पर उसको स्टैचुटरी बुक में रखा गया था 1957 में। In the light of the experience gained, the entry of foreign capital in the form of branches and concerns with sustainable non-resident interest in them and the employment of foreigners in India, the Foreign Exchange Regulation Act, yani ki FERA, 1973 was enacted on the recommendation of 47th report of Law Commission. तो जो एक्सपीरियंस गेन हुआ था उसके हिसाब से जो एंट्री हुआ था फॉरेन कैपिटल का एक ब्रांच के फॉर्म में, और जो उसका कंसर्न था सस्टेनेबल नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट का उनमें जो होता है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है फॉरेनर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। उसके लिए क्या हुआ था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1973 में, उसको इनेक्ट किया गया था 47th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के, मतलब उन रिकमेंड किए थे उसके बाद ही ये इनेक्ट किया गया था। द प्रोसीडिंग्स अंडर FERA वॉज क्वासी क्रिमिनल, तो जो प्रोसीडिंग्स होता है इसके अंदर वो क्वासी क्रिमिनल है। अ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हुआ था इस जो एक्ट है उसके अंदर इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। द RBI इज एम्पावर टू ऑथराइज एनी पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और अपॉइंट फॉरेन करेंसी मनी चेंजर्स। तो जो RBI है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी को भी, कोई भी पर्सन को ऑथराइज कर सके कि वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर सके या उसको अपॉइंट कर सके फॉरेन करेंसी को, जो मनी चेंजर्स है उसका। द डायरेक्टोरेट हैज़ द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू अरेस्ट, टू सर्च, टू सस्पेक्ट पर्सन्स एंड प्रेमिसेस एंड टू एग्जामिन पर्सन्स। तो जो डायरेक्टोरेट है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए बुला सकता है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, किसी कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन हो, कोई ऐसा लगे कि वो गलत है, कुछ भी है सस्पेक्ट है, तो उसको वो सर्च करा सकता है और साथ ही साथ जो प्रेमिसेस है उसको भी ले सकता है, साथ ही साथ कोई भी पर्सन को वो एग्जामिन भी कर सकता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन करेंसी एंड बुलियन, कुछ एक, मतलब इसके लिए क्या होता है, एक अपवाद जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता जिसमें सर्टेन करेंसी होते हैं या बुलियन होते हैं। द पेनल्टी अंडर द एक्ट इज 5 times द अमाउंट ऑफ वैल्यू इन्वॉल्व, जो जो पेनल्टी होता है इस एक्ट में जितना वैल्यू इन्वॉल्व होता है उसका 5 times होता है। द FERA 1973 वॉज रिव्यूड इन 1993 एंड अ न्यू एक्ट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1993 वॉज इनएक्टेड। तो क्या हुआ, जो FERA 1973 में है उसको रिव्यूड किया गया था 1993 में, और उसके बाद क्या हुआ, एक नया एक्ट बना जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA हुआ 1993 में, उसको इनेक्ट किया गया। FEMA वॉज इनेक्टेड बिकॉज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस सच एज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, ग्रोथ इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी,
लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इंक्रीज एक्सेस टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बाय इंडियन कॉरपोरेट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक्स मार्केट। तो क्या हुआ कि जो भी मतलब फेमा जब इनेक्ट किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उसके लिए हुआ था, बस फेरा से फेमा हुआ था उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था, जिससे क्या होगा कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज और जो भी ग्रोथ हुआ था फॉरेन ट्रेड में, वो सारे चीज़ में क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था। मीन्स उसका फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज भी बढ़ा, ग्रोथ भी बढ़ा फॉरेन मार्केट में, साथ ही साथ रैशनलाइजेशन हुआ टैरिफ का, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, मीन्स जो भी सारी चीज़ें दिया हुआ है उसमें क्या हुआ, सस्टेंशियल इंक्रीज़ हुआ है। The objective of the act is to facilitate external trade and payment and to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. तो जो ऑब्जेक्टिव है ये एक्ट का वो ये है कि वो फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड को और साथ ही साथ पेमेंट को, जिससे कि वो मतलब और साथ ही साथ क्या करता है, वो प्रमोट करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। अब बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स के। तो द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट आर cases already in courts under FERA shall be governed by FERA and not under this act. तो क्या हुआ कि जो भी केस FERA के अंदर थे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर में थे, वो उसी के अंदर उसको गवर्न किया जाएगा, ना कि FEMA के अंदर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसको नहीं गवर्न किया जाएगा। Appellate board under FERA has been dissolved and replaced by appellate tribunal and special director अपील्स। जो फेरा के अंदर एपिलेट बोर्ड था उसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया है एपिलेट ट्रिब्यूनल के में और स्पेशल डायरेक्टर के अंदर में, मतलब उसके द्वारा क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया गया है। एवर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नाउ हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो जो एवरी जो मतलब जितना भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास सिविल कोर्ट का पावर है। द डिफॉल्टर्स अंडर द एक्ट शैल बी लायबल टू सिविल इम्प्रिजनमेंट। तो जितने भी डिफॉल्टर्स है, जो उससे भी कोई गलती हुआ, कोई गुनाह किया, उसको क्या करेगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए वो लायबल हो जाएगा इस एक्ट के तहत। द पेनल्टी इज थ्राइस द सम इन्वॉल्वड और अप टू 2 लाख रुपीज़ वेयर अमाउंट इज नॉट क्वान्टिफेबल। तो जो पेनल्टी है वो 3 गुना है किसी भी सम, मतलब जितना भी उसमें पैसा इन्वॉल्व्ड है, सम इन्वॉल्व्ड है, उसका 3 गुना उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, या तो फिर 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा जहाँ पे अमाउंट क्वान्टिफेबल नहीं होगा। फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर एवरी डे इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट कंटेन्स। उसके साथ ही क्या होगा कि ₹5,000 हर दिन देना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ कोई भी एक्ट का, जो भी कंटेंस हुआ। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ज़्यादा पावर दिया गया मैनेजमेंट के लिए कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के का। RBI कैन इशू डायरेक्शंस और इंस्पेक्ट ऑथराइज्ड पर्सन। RBI क्या है, वो डायरेक्शन इशू कर सकता है और साथ ही साथ वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है ऑथराइज्ड पर्सन को। तो ये था FERA और FEMA के बारे में। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे, उसके साइलेंट फीचर्स और वो कैसे FERA से FEMA हुआ, सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी FERA और FEMA के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।